हाय डोल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। काफी दिनों से बर्निंग सेशन नहीं हो पा रहा था, बट आज ऐसी न्यूज चल रही है, मतलब ईच एंड एवरी न्यूज पेपर सब जगह पे आपको ये न्यूज देखने को मिल रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। एक्चुअल में हुआ क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है इसका आयोजन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा जो शेड्यूलर है वो शेड्यूलर शेयर कर दिया है विद आईसीसी, लेकिन अभी इसके ऊपर बीसीसीआई की कोई हामी नहीं आई है या फिर बीसीसीआई ने अभी अपना स्टैंप नहीं लगाया है। तो आइए जरा जानते हैं कि क्या है ये पूरा मैटर जिसको लेके काफी सारी सुर्खियां चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार से सेशन को सबके साथ में शेयर करने की भी होती है। चलिए, तो बात हो रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो पहले तो जान लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होती क्या है। देखिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये ट्रॉफी 2025 में इसके जो मैचेस हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो 1998 में होती है और हर 4 साल पे आपका जो इस पर टूर्नामेंट है वो देखने को मिलता है। इसका आयोजन करता कौन है, आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन हर बार किया जाता है, यानी कि 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो सबसे पहले बार आयोजन हुआ था ये कहाँ होता है, ये बांग्लादेश के अंदर हुआ था। और अगर हम लास्ट टाइम की बात करें, यानी कि जो पिछला वाला एडिशन खेला गया था 2017 में, तो ये एडिशन हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर वेल्स में। आप कहेंगे तो फिर मैं 2017 के हिसाब से 18, 19, 20, 21 में होना चाहिए था, बट 21 में चल रहा था कोविड का समय, तो उसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी खेली नहीं गई थी। अब इसका जो शेड्यूलर है वो एक बार जारी किया जा चुका है और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जा रहे हैं 2025 का, इसका शेड्यूलर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबमिट कर दिया है, क्योंकि 2025 में इसके जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो इन्होंने पूरा शेड्यूलर आईसीसी को सौंप दिया है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है, ये इवेंट स्टार्ट होगा 19th of Feb से लेके 10th of March के बीच में। एक्चुअल में मैचेस जो है वो तो 9th of March तक ही रहेंगे, लेकिन एक दिन इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है कि ड्यू टू सम केसेस, मान लीजिए कि कभी कोई मैच ऐसा है जो कि डिले हो गया, तो उसके लिए इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब ये जो मैचेस खेले जाएंगे इसमें आप देखेंगे तो दो ग्रुप बनाए गए, एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश को भी रखा गया है। बट मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या टीम इंडिया पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलेगी। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे बोला है कि देखिए, हम पूरी सुरक्षा आपको प्रोवाइड करेंगे और इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो सारे के सारे मैचेस लाहौर के अंदर होंगे, जबकि बाकी जो मैचेस होंगे वो कराची में भी होंगे, बाकी सारी जगहों पर भी होंगे, बट इंडिया के जितने भी मैचेस है वो लाहौर के अंदर ही कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा बोला गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बोला है कि मान लीजिए इंडिया जो है ना, सपोज करिए कि इंडिया के जितने भी मैचेस हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि इनका जो फाइनल मैच होगा, जो फाइनल मैच खिलाया जाएगा किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा लाहौर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो सेमीफाइनल्स हैं, जो सेमीफाइनल्स हैं, इनका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, ये होगा कराची के अंदर और बाकी सारे शहरों के अंदर इसका आयोजन होगा सेमीफाइनल्स का। बट इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए इंडिया जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंचती है, पहुंचती क्या है, पहुंचेगी, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इंडिया जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंचती है, तो इंडिया का सेमीफाइनल हम लाहौर में ही करवाएंगे, इंडिया को अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें तो बता दी गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आईसीसी के पास में इसका पूरा जो शेड्यूलर है वो भी पहुंच चुका है, लेकिन अभी पॉइंट यहाँ पर ये है कि बीसीसीआई इसके ऊपर क्या कहता है। तो बीसीसीआई क्या कह सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है, क्यों, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें, जो एशिया कप का आयोजन हुआ था, अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो एशिया कप का जब आयोजन किया गया था तो उसको भी होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, बट इंडिया के जितने भी मैचेस हुए थे 2023 में वो सारे के सारे श्रीलंका के अंदर खेले गए थे और एशिया कप 2023 जो है वो भारत ने जीता था। बट यहाँ पे अभी पॉइंट ये बन रहा है कि क्या टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम यानी एशिया कप के दौरान भारत को वहां पे जाने की परमिशन नहीं मिली थी, और क्यों ही जाना है भाई खतरे वाली जगह पर। तो यहाँ पर इस बार आप देखोगे तो T20 के मैचेस का आयोजन भी किया गया, जहां पे इंडिया ने इस पूरी ट्रॉफी को जीता है, लेकिन अभी सवाल ये है कि 2025 में क्या भारत पाकिस्तान जाएगा या फिर इंडिया के जितने भी मैचेस हैं एक बार फिर से किसी और जगह पे कंडक्ट किए जाएंगे और बाकी सभी टीम जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये तो बीसीसीआई बताएगा, बट यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ और फैक्चुअल चीजें जो है वो भी जान लेते हैं। देखिएगा, अगर
अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है इसके अंदर मैक्सिमम रन किसके नाम पर है, तो क्रिस गेल के नाम पर आपको मैक्सिमम रन देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम विकेट किसके नाम पे है, तो किल मिल्स के नाम पर, किल मिल्स के नाम पर आपको मैक्सिमम विकेट देखने को मिलेंगे। ये ट्रॉफी लास्ट टाइम किसने जीती थी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 2017 की, तो 2017 में इसको पाकिस्तान ने जीता था। तो क्या इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी कभी जीती है? जी हाँ, इंडिया ने दो बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और ऑस्ट्रेलिया ने भी दो बार ही चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। अब देखना यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI इसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं, ये तो देखना अभी बाकी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है। और चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी बोला जाता है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी सवाल जो है वो पूछ ले। तो ये था आपका आज का बर्निंग इशू। आपका क्या कहना है, इंडिया को जाना चाहिए कि मैचेस कहीं और होने चाहिए, ये आप अपना जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।